गर्ली और एलिगेंट लुक चाहिए देन यू कैन स्टाइल दिस लूज कुर्ता स्टाइल शर्ट्स विद स्लिम फिट जीन्स या फिर स्ट्रेट ट्राउजर्स बहुत मजे की लुक देते हैं सॉलिड इन इन पेस्टल कलर्स आर सो फैशन बहुत वाइब्रेंट एलिगेंट और बहुत अट्रैक्टिव लुक देते हैं और स्पेशल बात यह है कि आप ऐसे ड्रेसेस खुद से स्टिच करवा सकते हैं और इन वेरी अफोर्डेबल प्राइजेस एक ऐसी चीज जो कि आपकी ओवरऑल लुक को एकदम से इनहस कर देती है बूस्टअप कर देती है तो वो है हेयर कट एक अच्छा हेयर कट अकॉर्डिंग टू योर फेस शेप आपकी ओवरऑल लुक को आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को एकदम से बूस्टअप कर देते हैं अगर आपको फुल हेयर कट नहीं लेना तो जस्ट आप बैक से ट्रिमिंग लें और फ्रंट से आप अपनी फेस ट्रीमिंग के लिए ऐसे बैंग्स ले सकते हैं बहुत क्यूट लगते हैं और आपकी ओवरऑल लुक चेंज हो जाती है और अगर आप लोग हेयर डाई करते हैं तो दीज डेज यू कैन गो फॉर वार्म टोन्स फॉर ब्राउन और फॉर ब्लैक्स जो कि इन फैशन है गोल्डन टोन्स की तरफ मत जाए बहुत बुरी लगती हैं ओके सो इफ यू वॉन्ट अ लुक क्यूट एट सिंपल तो डू इन्वेस्ट इन मिनिमल एंड क्यूट हेयर एसेसरीज लाइक बॉबी पिन हो गई स्क्रंचेस हो गई बॉब पिन हो गई और भी बहुत क्यूट क्यूट सी चीजें होती हैं मुझे पर्सनली ऐसी चीजें बहुत पसंद हैं और ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव भी लगती हैं वेयर मिनिमल ज्वेलरी जो कि आजकल बहुत इन ट्रेंड है लाइक आप सिंपल एक चेन कैरी कर सकते हैं यहाँ फिर आप हाथ में कुछ रिंग्स पहन लें जो कि बहुत प्यारी लगती हैं और उसके अलावा वॉचेस तो मस्ट हैव होनी चाहिए वॉचेस बहुत एलिगेंट वो बहुत वाइब्रेंट लगती हैं आप सिंपल थ्री कलर्स की वॉचेस ले लें एक गोल्डन एक सिल्वर और एक न्यूड जो कि आपके सब ड्रेसेज के साथ चल जाएंगी वेयर न्यूड नेल पेंट ओके सो न्यूड कलर्स आर सो इन फैशन फ्रेंच नेल्स यहाँ फिर न्यूड कलर्स बहुत ही ट्रेंड है बहुत खूबसूरत लगते हैं आपके हाथों को एकदम से ब्राइटन अप कर देते हैं प्लस बहुत नीट लुक देते हैं वेयर ट्रेंडी शूज अच्छा शूज हमेशा वो पहने जिसमें आप कंफर्टेबल हों चाहे वो सैंडल्स हों स्लाइडर्स हों या कोई भी शूज हो अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो वो आपकी ओवरऑल लुक को आपकी ओवरऑल पर्सनलिटी को खराब कर देते हैं क्योंकि जब आप कंफर्टेबल नहीं होते आपकी पूरी चाल चेंज हो जाती है आपको चलने का तरीका चेंज हो जाता है जो कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी को ड्रॉप डाउन कर देता है कैरी ट्रेंडी हैंड बैग्स अच्छा अगर आप यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल हैं या फिर आप वर्किंग वूमेन है तो हैंड बैग्स so, in तो आपका मस्ट हैव प्रोडक्ट है सो डू इन्वेस्ट इन क्यूट एंड ट्रेंडी हैंड बैग्स और आजकल तो दराज पे बहुत रीजनेबली मिल जाते हैं आप सिर्फ थ्री कलर्स में ले लें एक ब्लैक वाइट और एक न्यूड में ले लें जो कि आपके सब ड्रेसेस के साथ चल जाएगा और बहुत वाइब्रेंट लुक देते हैं ओके सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप स्मेल गुड डू टेक केयर ऑफ योर हाइजीन डू इन्वेस्ट इन अ गुड डिओड्रेंट और रोल जो कि आपको ट्वेंटी फोर आवर्स तक फ्रेश रखते हैं अगर आप टीन एजर हैं तो अच्छा सा बॉडी स्प्रे या फिर बॉडी मिस्ट लें जो कि बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग हो प्लस जिसकी स्मेल बहुत ही लाइट सी हो और उनको अपने प्रेशर पॉइंट्स पे लगाएं ताकि 24 आवर्स तक वो लास्ट कर सके डू सिंपल येट मिनिमम स्किन केयर जिसको आप इजीली मेंटेन रख सकें जिसमें एक क्लिनजर है एक मॉइस्चराइजर है और सन ब्लॉक तो मस्ट होना चाहिए ये एक ऐसी रूटीन है जिसको आप इजिली मेनटेन रख सकते हैं उसके अलावा वीक में दो, दो दफा क्लिनजिंग करें स्क्रबिंग करें और कोई भी अच्छा सा फेस पैक अपने फेस पे लगा लें इसके अलावा आपको किसी एक्स्ट्रा फेशियल वगैरह की जरूरत नहीं है डू मिनिमल टू नो मेकअप लुक जिससे आप प्रेजेंटेबल भी लगे और आप पर्सनली भी फ्रेश फील करें तो उसके लिए आपने लेनी है एक बीबी -बी क्रीम या फिर आप कोई टिंटेड सनस्क्रीन भी यूज कर सकते हैं उसके बाद आपने लेना है एक लिक्विड ब्लश आप टिंट भी यूज कर सकते हैं कोई पिंक शेड में लिपस्टिक भी यूज कर सकते हैं जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है टिंटेड लिप बाम आप कोई भी टिंटेड लिप बाम लें उसको अपने लिप्स पे चीक्स पे और अपनी आईलेट्स पे लगा लें अगर आप डेली मस्कारा वेयर कर सकते हैं देन वेल एंड गुड और अगर नहीं तो मैं आप लोगों के साथ एक हैक शेयर करती हूँ सबसे पहले अपने अपनी लैशेस को कर्ल कर लेना है विद लैश कर्लर और उसके बाद स्पूली ब्रश से अपनी लैशेस पे वेजलिन को लगा लेना है और उसके बाद कुछ इस तरह से लुक आ जाएगी आपकी लैशेस की जो कि बहुत खूबसूरत लगती है और वेजलिन से आपकी आइज भी ब्राइटन अप लगेंगी जो कि बहुत खूबसूरत लगती हैं और इस तरह से आप अपना नो मेकअप मेकअप लुक अचीव कर सकते हैं विद दीज सिंपल एंड ईजी स्टेप्स डोंट वॉर गेट योर हैंड्स एंड फीट आपके फेस के बाद दूसरी नज़र आपके हाथों पर ही पड़ती है तो रात को आपने कोई भी लोशन अपने हाथों और पाँव पर मस्त लगा के सोना है और आप एक वीक करके देखें आपके हाथ इस कदर ब्राइटन अप हो जाएंगे और खूबसूरत लगेंगे उसके बाद आपने नेल्स के लिए स्पेशली कोई भी ब्रश रखना है अगर आपके पास ऐसा नेल ब्रश नहीं है तो आप एक सेपरेट टूथब्रश रख लें जिससे आप अपने नेल्स को साफ कर सकें और एक हैंड क्रीम तो मस्ट होनी चाहिए इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डैंड डोंट फॉर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड इफ यू लाइक डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉर टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल